हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टुडे विल डिस्कस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास एंड योर नेक्स्ट क्लास। ओके, so your question is, given triangle, this figure is given, interior angle 30 degree, 90 degree and exterior, outside angle is called exterior angle। जो आउटसाइड है ट्राइंगल के बाहर की तरफ है वो होगा आपका एक्सटीरियर, और अंदर मीन्स इनसाइड में है वो है आपका इंटीरियर। ओके, इंटीरियर एंगल इज 30 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल इज एक्स डिग्री, वाई एंड जेड। ओके, वन इंटीरियर एंगल इज अननोन, so let interior angle be m। interior angle आपने क्या लिया बेटा, इधर given नहीं था है ना, question में given नहीं है और interior angle unknown है, वही x y और z given है ना, x y z नहीं होता तो इसको अपन x ले लेते, but x y already given है तो इसको अपने को m लेना हुआ है ना, m लिया है। क्यों लिया है, तो इंटीरियर एंगल फाइन करना है अपने को, इसलिए इंटीरियर एंगल फाइन होगा ना तभी तो एक्सटीरियर एंगल फाइन होगा। यस, लेट इंटीरियर एंगल बी एम, इंटीरियर एंगल को अपन ने क्या लिया बेटा, एम लिया इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के इनसाइड में, एंड यू नो वेरी वेल इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आर 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल जो है ना थ्री एंगल्स है, थ्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यू नो वेरी वेल। देन इंटीरियर एंगल का सम किया बेटा हमने, एंगल 30 प्लस 90 प्लस m इक्वल्स टू 180। 180 की यहां से आया बेटा, 180 आया इसका इंटीरियर एंगल का सम, तीनों एंगल का सम ऑलरेडी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, ऑल थ्री एंगल सम क्या होगा, 180 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 120, 120 प्लस m इक्वल्स टू 180, 180 गिवन है, 120 का ये लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर किया और लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करने में अपने को पता है सिंबल चेंज हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60, तो 60 डिग्री आपका एम का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, 60 डिग्री। अभी आपको एक्स फाइंड करना है, देखो बेटा ये एक्स जो है ना ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, स्ट्रेट एंगल मीन्स आपका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जो होता है वो है ना बोथ लीनियर पेयर मीन्स ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इधर भी देखो बेटा ये भी लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो ये दोनों का सम भी 180 डिग्री, और सिमिलरली ये भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है, इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर डेट, नेक्स्ट एक्स प्लस 90, देखो बेटा एक्स प्लस 90 क्या हो गया बोलो, लीनियर पेयर की वजह से बहुत दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 90 डिग्री का ये साइड से ये साइड में ट्रांसफर किया तो ये 90 डिग्री माइनस हो गया, और 180 माइनस 90 किया तो 90 बना है ना, तो x का वैल्यू आ गया आपके। सिमिलरली y प्लस m ये दोनों भी लीनियर पेयर है, बहुत लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, तो दोनों का सम 180 डिग्री। अभी m का वैल्यू तो फाइन हो चुका है, इधर m का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो बेटा m का वैल्यू क्या है, 60 पुट किया इधर, अभी 60 का वो साइड में ट्रांसफर किया तो माइनस का हो गई ना, तो 180 माइनस 60 किया तो 120 बना। क्लियर है, सिमिलरली एंगल y प्लस 30 क्या होगा बोलो जल्दी से, 180 डिग्री, y प्लस 30 क्या होगा बोलो, 180 डिग्री। अभी ये प्लस 30 का वो साइड में ट्रांसफर करना है, प्लस 30 का वो साइड में ट्रांसफर करना है तो माइनस का 30 होगा ना बोलो, तो 180 माइनस 30 किया ना तो 150 बना,
अभी आपको z का वैल्यू फाइंड हो गया है, आपको y का वैल्यू फाइंड हो गया है, आपको x का वैल्यू फाइंड कर हो गया है। अभी क्या फाइंड करने का बोलो, x प्लस वाई प्लस z, तीनों एंगल को सम करना है, ऑल थ्री एंगल को सम करो, x प्लस वाई प्लस z, इधर से लियो x, इधर से y, इधर से z, x प्लस वाई प्लस z लिया, इधर से लिया मैंने 90, इधर से लिया 120 और इधर से लिया 150, ये तीनों का सम किया, ऑल थ्री एंगल्स का सम किया ना तो 360 आया। तो इससे बहुत बड़ी बात ये सीखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बात सीखने को ये मिल रही है, एक्सटीरियर एंगल है, वाई भी एक्सटीरियर है, जेड भी एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स बेटा क्या होता है, बाहर की तरफ, ये ट्राइंगल के बाहर की तरफ, इसलिए एक्सटीरियर, वाई भी बाहर है इसलिए एक्सटीरियर, जेड भी बाहर है इसलिए एक्सटीरियर, आउटसाइड में बना हुआ है ना तो वो होगा एक्सटीरियर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या किया, सम किया ऑफ एक्सटीरियर एंगल का, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आंसर क्या आया, 360। तो इसको पक्का कर लीजिए, है ना बिल्कुल, इसको एक आप आइडेंटिटी बना लीजिए, है ना, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360, तो ट्राइंगल में आया है ना, क्वाड्रिलेटर में यही बनेगा, पेंटागॉन हेक्सागॉन सभी में यही बनेगा, है ना। इंटीरियर एंगल का सम सबका अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है, बट एक्सटीरियर एंगल का सब में कॉमन होता है, सब में 360। तो ये बात माइंड में अच्छे से रखिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360। रिपीट कीजिए मेरे साथ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360। ओके, आर यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।